हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे एक स्वीट डिश, मीठी बूंदी। बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है और घर पर आसानी से आप इसको कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक कप बेसन लिया है, ये रेगुलर बेसन है जो सुपरमार्केट्स में से मैंने खरीदा था। और एक कप बेसन के लिए मैंने एक कप ही यहाँ पर चीनी ली है जिसकी हम चाशनी बनाएंगे। 1/4 टीस्पून मैं इलायची का पाउडर यूज़ करूँगी। इसके जगह पर आप रोज एसेंस या केवरा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो केसर भी ऐड किया जा सकता है। कुछ बादाम और पिस्ते की कतरन मैंने ली है डेकोरेशन के लिए, आप चाहें तो स्किप कर दें। और फूड कलर मैंने लिया है ऑरेंज, आप फूड कलर ग्रीन या येलो भी यूज़ कर सकते हैं और उसको उतना ही डेकोरेटिव बना सकते हैं। एक विस्क हमें लगेगा उसको बीट करने के लिए, और पानी का मेजरमेंट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से मीठी बूंदी। तो सबसे पहले हमने बेसन का घोल बनाकर प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर जो बेसन लिया है मैंने, ये 1 कप है, और आप बेसन को अच्छी तरह से छान लें। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप बहुत पानी एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें गुठलियाँ फॉर्म होगी और फिर उन गुठलियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बेसन को अच्छी तरह से हम बीट करते जाएंगे। थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, ये बैटर को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इस तरीके का बैटर है, आप जैसे देख सकते हैं एक तार में ये गिर रहा है। ऑलमोस्ट मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड किया है, 2/3 से थोड़ा सा कम होगा, और इस तरीके का एक बैटर रेडी हो गया है। अब हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। तो ऑयल मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के आसपास ऐड कर रही हूँ। आप अगर घी ऐड करें तो घी को मेल्ट करके, ठंडा करके ऐड कर लें, बिकॉज घी दानेदार होता है और उससे कहीं वो मिक्स होगा कहीं नहीं। अच्छी तरह से इसको बीट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ऑयल अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए इसके अंदर। बैटर को अब हम कवर कर लेंगे और साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक वेसल चढ़ा दिया है और अब हमने चाशनी बना लेनी है। 1 कप चीनी जो ली थी वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और 1/2 कप के आसपास मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। फ्लेम को हमने लो मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। चीनी जब तक सारी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसको आप लो फ्लेम पर चलाते रहे। तो यहाँ देखिए, चीनी जो है ये अच्छी तरह से बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी है और बॉईल आना भी इसमें स्टार्ट हो गया है। कोई भी चीनी इसमें मौजूद नहीं है अभी, और इसको अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये चाशनी जो है ये हल्की सी स्टिकी नहीं हो जाती है। तो ये देखिए, चाशनी हल्की गाढ़ी हो गई है। इसको इस तरह से जब आप करेंगे तो बूंदे जो है वो इस तरह से धीरे धीरे पड़ रही हैं और ये अच्छी तरह से स्टिकी हो गया है अभी। ये देखिए, इसको हम साइड में रख देंगे। जब तक मैंने तेल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था जब तक ये चाशनी बन रही थी, तो चलिए अब बूंदी बना लेते हैं। तो एक ड्रॉप मैं इसी तरह से ड्रॉप करके देख रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा हमने और गरम कर लेना है ऑयल को। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का स्पून यूज़ किया है, आप चाहें तो बूंदी वाला जारा यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जारा अवेलेबल नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सा हम इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इस तरह पैट कर रही हूँ उसको ताकि बूंदियाँ अच्छे से पड़े। आप चाहे तो कोई डब्बा रख ले साइड में, ऊंचा डब्बा, उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से पैट करना है ताकि बूंदी अच्छी तरह से पड़े। ये देखिए, बहुत बेहतरीन बूंदी पड़ रही है इसमें से। थोड़ा सा और मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, बूंदी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने इसको, बस जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद हम बूंदी निकाल लेंगे। फ्लेम मीडियम है इस वक्त। ये देखिए, बूंदी जो है ये बनकर ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। इसको निकाल रही हूँ मैं बाहर। ये देखिए, इसी तरह से सारी बूंदी हमने बनाकर प्रिपेयर कर लेनी है पहले। तो यहाँ पर लास्ट में जो थोड़ा सा बैटर बच गया है 1/4 कप के आसपास, थोड़ा सा फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऑरेंज कलर की बूंदी चाहिए, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये वाला जो बैटर है ये भी इस वक्त रेडी है। तो चलिए इसकी भी बूंदी बना लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से अब हो गया है और इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर।
तो ये देखिए सारी ही बूंदी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है और अब हमने इसको चाशनी में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर चाशनी जो है ये इस वक्त लूक वार्म है, बहुत ज़्यादा ठंडी चाशनी में ऐड नहीं करेंगे, तो बूंदी को अब हम ऐड कर देंगे चाशनी के अंदर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको गैस पर गर्म भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जो मैं ऐड करना भूल गई थी। आप चाहे तो रोज़ एसेंस या केवरा एसेंस भी ऐड किया जा सकता है। और मिक्स कर लेंगे इसको, थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड में रखे रहने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था और इसको एक ही बार मैंने चलाया था 2 घंटे बाद, तब चाशनी इसने काफ़ी हद तक सोख कर ली थी। और अभी अगर आप देखें तो ये देखिए इसमें नीचे कोई भी चाशनी अवेलेबल नहीं है, अच्छी तरीके से इसने चाशनी सोख कर ली है। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट पर। एक बूंदी अंदर से चेक करें तो ये देखिए बिल्कुल ही रस भरी बूंदी है, ये अच्छी तरह से रस अंदर तक पहुंच चुका है इसके और बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग सी बूंदी जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है बूंदी, रस भरी बूंदी, मीठी बूंदी जो बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई है। त्योहारों का सीज़न है, ज़रूर बनाइए और फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।